बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू गाजर का सालन। ये देखें, हमने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसे बना लिया है, जिसमें हमने ऑयल शामिल कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ ही हम इसके टमाटर ऐड कर देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट बगैर नमक मिर्च के ऐसे ही भुनेंगे गोश्त को अच्छी तरह। माशाल्लाह देखें, चिकन हमने बहुत ही अच्छी तरह भून लिया है और आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। स्पाइसेस में अब हम शामिल करेंगे कढ़ाई गोश्त मसाला है, सिंपल रेड चिली है, हल्दी है और ज़ीरा सूखा धनिया। नमक हमने हसब ज़रूरत इसमें डाल दिया था। इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो तीन मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। सब्ज़ी हमने मिक्स कर दी है, अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, सब्ज़ी में जो विटामिन्स होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी आप थोड़ी सी सब्ज़ी बनाएं चिकन साथ में डाल लिया करें, तो देखें फिर बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत सब्ज़ी लग रही है। अभी इसमें पानी है, अभी इसके पकने में कुछ वक्त है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे ही इसको पकने देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारा आलू गाजर चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को भी सब्ज़ियाँ ज़रूर खिलाया करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में आपके साथ फिर नई एक रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।